देखिए उसका तो मन बढ़ा ही हुआ है, अगर मन नहीं बढ़ा रहता तो 15-20 लोग बीज बाजार में आके लाठी डंडा से हमला नहीं करते। और सरकार का उसको बरहस्त्र प्राप्त है, सरकार उस पर मौन है, प्रशासन दबाव में रहती है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ व्यवसायी एकजुट हैं, आज पूरा हरमू बाजार बंद है और सभी लोगों का एक ही मांग है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये आंदोलन और उग्र रूप में है। और कल देर शाम बेसिकली एक स्कूटी के द्वारा जो है साइड में एक खड़े बाइक को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद दुकानदार थे और जो इधर से जो स्कूटी वाला पक्ष था, इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, थोड़ी झड़प भी हुई इस बात को लेकर के, टक्कर को लेकर के, और आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। इसके पश्चात दोनों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी इसमें लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। CCTV फुटेजेस भी वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन फुटेजेस का अभी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। और जो भी विटनेसेस हैं, जो CCTV फुटेज है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके अकॉर्डिंग जिन भी लोगों की इसमें भूमिका है, जिनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। खासतौर पर वैसे जो भी असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं, जिन्होंने जानबूझकर मामले को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से, रांचीवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर पे भरोसा ना करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।